तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, बैठोर पंजाब बन दी। ओए बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी, झूठी खल दी मरोड़ा नहीं चल दी। तोर पंजाब बन दी, झूठी खल दी मरोड़ा नहीं चल दी। तोर पंजाब बन दी। ओए बल्ले 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 भैयो तेरे की लग दे नी, बल्ले बल्ले भैयो तेरे की लग दे, बड़ा हसनी नैन मिला के लियो तेरे की। आंटी जी अरे ये हुने असी जीत गए, रुक जा। आंटी जी आपने वो शीते मैकेनिक को देखे? मनु एखन वास्ते मैकेनिक ही रह गए ने, इंजीनियर मर गए ने मल्ले दे। मेरा जवानी से बड़ा स्टैंडर्ड है कुड़िए, समझी? कमाल मैं भी वेखनी कि जितती है साडे कोलों। अच्छा लगाओ म्यूजिक। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, सोनी गुड़ी आई है यार, क्या डांस करती है? अपनी पीनो आपा की ना हालत खराब हो गई है। सोनी गुड़ी ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुखालिफ की पार्टी को जितने नहीं देना क्योंकि हमारे यार की शादी है। चलो सोनी गुड़ी साके देखो तो सही, ऐसी भी कौन सी सोनी गुड़ी है। सारिया तू छोड़ पारिया।
देता है दिलदारियां, ओ प्यार प्यार करके तो होंगी ख्वारियां। बहुत दर्द हो रहा है यार, कहीं कोई बड़ा मसला तो नहीं हो गया होगा? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, ये पीनो आपा भी ना गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती हैं। वाकई यार बड़ा गलत किया वैसा बीनो आपा ने। चल तू इधर ही बैठ के खाना खा, दिलावर से हम मिल आते हैं। बता बिरयानी दूं तुझे? नहीं ब्रोस ब्रोस दे। आप में से किसी ने शीदे मैकेनिक को देखे? नहीं। अरे खा ले यार, ऐश कर। चल ना दे फिर। आ जा यार। कहाँ गया ये सीता? भूख लग रही है बहुत। अरे क्या कर रही हो? मेरी प्लेट में से क्यों ले रही हो? वहां पे खाना लगा हुआ तो है, वहां से जाके लो ना। ये प्लेट है? मुझे लगा पूरी डिश है। ये टेबल वीआईपी मेहमानों के लिए सेट की गई है, तुम जैसे नॉर्मल मेहमानों के लिए ना वहाँ बुफे लगा हुआ है, वहां से जाके लो। हाँ, ये सारा खाना तुम खाओगे? भाई तुम जैसे लोगों की वजह से ना हमारे मुल्क का ये हाल है। एक बार इख्तियार मेरे हाथ में आने दो, तुम जैसे पेटों को तो पक्का पक्का बंदोबस्त करूंगी मैं। लगता है तुम्हारा बंदोबस्त मुझे अभी इधर ही करना पड़ेगा। अली, अरे इधर आ। ओके, इतना खाना पड़ दो है? ये तो खा लो पहले, इसको तो ढूंढ लो, ये बाद में खा लेना। वैसे नदीदे पन के बिना हद होती है। कसम से मैं तुम्हारा सिर्फ लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, तमीजी मत करना मेरे साथ, तमीज से रहो। मैं कौन सा तुम्हें गालियां दे रही हूँ, तमीज से तो बात कर रही हूँ। तमीज? ये तुम्हारी तमीज है? अगर ये तमीज है तो बदतमीजी क्या होगी? वैसे ब्रोस्ट है बड़ा मजेदार। अच्छा सुनो, तुम वो शीदा मैकेनिक को जानते हो? शीदा मैकेनिक? वाह, क्यों तुम्हें उसके घर जाके उसका भी खाना चुराना है? नहीं नहीं नहीं, वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। मेरे पाँव में वैसे ही बहुत दर्द है, सर में दर्द मत करो। और मैं नहीं जानता किसी शीदा मैकेनिक को, जाओ यहाँ से। शीदा मैकेनिक तो पीऊं मैं। रोज तो खाया नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी के क्या करोगे? पहले मुझे इतनी देर हो रही है, कहाँ ढूंढूं सीधे मैकेनिक को? सीधे कोल्ड ड्रिंक, चिकन, लगता तो है नहीं, जरूर उसके पेट में कीड़े होंगे। भाभी ने तुझे मना भी किया था कि ना जा, तू किसी की सुनती कहाँ है? अब देख क्या फायदा हुआ, ना तो तुझे मैकेनिक मिला और ना तेरी पीकू। कोई बात नहीं, काम तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैंने ना शादी का खाना खूब एंजॉय करके खाया था। इतना अच्छा खाना था, आपको पता है? अल्लाह जी, हमारे घर पे कोई शादी करवा दे, अरसा ही हो गया, कोई खुशी नहीं देखी मैंने। वैसे बेबो, मैंने एक बात सोच रही थी। रहन दे तू, मैंने नहीं सुननी तेरी कोई बात, शुरू हो जाएगी तो पूरी रात बीत जानी है यहीं। सुने तो सही, आप इतनी प्यारी है, अच्छी खासी है, आदत की भी अच्छी है, आपका कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया कभी? आपस की बात है, अब तक वैसे आपकी शादी हो जानी चाहिए थी। अच्छा जी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं आया या मुझे लोगों ने पसंद नहीं किया? ऐसी बात नहीं है। तो फिर? फिर ये कि ऊंचा मायार सिर्फ लड़के वालों का या उनके खानदान वालों का थोड़ी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। और मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि शादी तो मैं उसी से करूंगी जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। क्या क्या खूबी होनी चाहिए? अब देखिए ना, आप तो
तो घर से निकलती नहीं है, मैं ही आती जाती हूँ बाहर। क्या पता वो आसपास ही हो और आपको खबर ही ना हो, मुझे बताएंगी तो मैं नजर रखूंगी। अच्छा चल फिर सुन। वहां के सुनती हूँ, साइड मारे साइड मारे। हाँ बताए। सबसे पहले ना उसके लहजे में मिठास होनी चाहिए। दिल चाहे कड़वा हो। हाय हाय क्यों, दिल तो सबसे खूबसूरत होना चाहिए और एजुकेटेड हो और खुशहाल भी हो और सबसे जरूरी बात औरत की इज्जत करने वाला हो। ऐसे लड़के तो मार्केट में आना बंद हो गए। लेकिन दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं होता, सुबह होते ही मैं तलाश शुरू कर दूंगी। सही है, टीपू 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 टीपू, जल्दी चलो, अम्मा जी बहुत गुस्सा कर रही हैं। दो मिनट। टीपू दो मिनट भी हो गए, होमवर्क दे दिया, सुबह से खेल रहे, शाम हो गई है, तुमने आना कि नहीं आना? होमवर्क बस पैराग्राफ है और मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। टीपू तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना, जल्दी चलो, अम्मा जी गुस्सा कर रही हैं। टीपू हेलो हेलो, तुम चल रहे हो या मैं तुम्हारी टांगे तोड़ू? जी आपको नहीं, टीपू से कह रही हूँ। टीपू वेरी गुड, मेरा नाम फरहाद है, वैसे ना हम इस मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए हैं, और आप लोग? हमें शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए। कितना हसीन इत्तेफाक है ना ये, बिल्कुल सेम टू सेम। एक्चुअली ये सोसाइटी ना नई बनी है, तो हम और आप कैसे पुराने हो सकते हैं? अब तो काफी ज़हीन है, मुझे ज़हीन लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। जी और मुझे भी सिर्फ ज़हीन लड़के ही पसंद है। टीपू चल रहे हो कि मैं अम्मा जी को लेकर आऊं? तुम्हें ले आप फरहाद को दे देना यार। हेलो रुको, नाम तो बता दी। जाओ राबेल, और कुछ? और ये बच्चा कजन है मेरा। ओह कजन है, मैं तो कुछ और समझा था। ओके ओके ओके, खेलने में तो अच्छा खास है, छिछोरा है लेकिन काफी। तो चलती फिरती वनीला आइसक्रीम है। मिया जी मैंने अंदाजा लगाया, हमारे मुल्क में ना ईमानदार और सच्चे लोगों की बड़ी शदीद कमी है। बड़ी शदीद, इसलिए मैं जल्द से जल्द कुछ बनना चाहती हूँ, हालात बदलना चाहती हूँ। मुल्क को ना मेरी सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत है, सच्ची गल है जी। आप ना मेरी एक को एक औलाद हो और आपकी मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। ओए मेरी गल सुनो, ये वो चिराग है जो पूरे मुल्क को रोशन करेगा। हाँ मियाँ जी मुझे तो डर है इस कार को ना इस घर के चिराग से आग ना लग जाए कहीं। देख रहे मियाँ जी मुझे तो ये मेरी सगी माँ लगती नहीं। और सगी माँ एंजी करती हैं। हाँ सगी माँ को बड़ी फिक्र होती है अपनी औलाद की। मैं तो भूल ही गई, आप लोगों को बड़ी अहम खबर सुनानी है मैंने। कल मेरी दोस्त अपने चाचा का रिश्ता लेकर आ रही है बेबो के लिए। चाचा में मेरा मतलब है लड़के में वो सारी खूबियां जो बेबो को अपने होने वाले जीवन साथी में चाहिए हैं। सच्ची? लो भी है तो फिर गेम ऑन हो गई है। वाह जी वाह बेबो। अभी तैयारी भरो, मेहमान आने वाले ने। हाँ आप फिक्र ही ना करो मियाँ जी, मैं सारी तैयारी टॉप और टॉप कर लेनी है। हाँ मेरी जान मेरी शहजादी, तेरा अपना घर है, किसी की जरूरत इस घर में के एतराज करें? सच बताऊं तो मैं बहुत बोर होती हूँ, तुम्हारे जीजा जी और मेरा जो मेंटल लेवल है ना वो बराबर का नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, फिर जब बस टिकट कटाओ फिर मुझे बता दें। हैं ओके रखती हूँ।
मोना का फोन था। मेरी बुराइयां मोना से बयान की जा रही हैं। ले, तुम तो इस तरह से खफा हो रहे हो जैसे मोना तुम्हें जानती नहीं है। पूरा टब्बर जानता है मेरा। मेरे अब्बा जी ने कहां मेरी किस्मत फोड़ी। तुमसे बड़ी नाशुक्री औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और तुम जैसा हासिद इंसान है कितने लोग हैं तुम्हारे टब्बर में। हंस हंस के मिलती हूँ, गले लगाती हूँ, उनकी खातिर तवाजो करती हूँ, तब नहीं याद आता। लानत है मेरी मासूमियत पर। मेरी बात सुनो। सुनो तो सही। क्या है? सॉरी, माफ कर दो। हाथ जोड़ रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ, है माफ कर दो। इतनी आसानी से नहीं माफ करूंगी। बाहर लेकर जाओ घूमने घुमाने, खाना भी बाहर खाऊंगी। अल्लाह, फिर माँ जी से इजाजत लेनी पड़ेगी। कंफर्म बेइज्जती होनी है मेरी। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है कि आज बेइज्जती का दिन है मेरा। जाओ, मैच खत्म हो जाए फिर जाता हूँ। लाइबा, क्या तुम सारा दिन किताबें पढ़ती रहती हो? कभी आस पड़ोस की खबर भी ले लिया करो। भाई अचानक से आस पड़ोस की खबर की क्या जरूरत पड़ गई? क्या नैब का छापा पड़ गया वहां पे? अच्छा हो गया मामू आप भी आ गए। हमारे पड़ोस में ना बहुत ही अच्छी और माकूल फैमिली शिफ्ट हुई है। मैं तो मिलते ही इंप्रेस हो गया। अच्छा, यकीनन मेरी कोई एज फेलोज खवातीन भी वहाँ होंगी। मैंने फिलहाल ना अपने ही एज फैक्टर के हिसाब से देखा है। आपकी एज की नजर नहीं आई अभी तक। तुम एक सेल्फिश आदमी हो। सेल्फिश? एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, बेशुमार खवातीन वहाँ पर टीचर्स होंगी जिनकी शादियाँ नहीं हुई होंगी, उनको अच्छे लड़कों की तलाश होगी। कभी तुमने जो मुझे पिच किया हो वहाँ पे, हमेशा अपना सोचना, हमेशा। मामू आप टेंशन ना लें, मैं आसपास नजर रखूंगी। थैंक यू। वेरी गुड। अब देखो, कोई भी बेवा हो ना, बेवा समझती तुम, जैसे ही कोई नजर आए तो फौरन अपडेट कर देना। चले भाई, इसी खुशी में आप ऐसा करें कि अब खाली का चाय पे रखेंगे, हम बिस्किट खिला दें, केक ले आए, कुछ तो करें। अभी लेके आया। मामू को छोड़ो यार, मैं तो कुछ और कहने वाला था। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे पड़ोस में जो नए लोग आए तो तुम क्या कहती हो, उनके घर चलें किसी दिन? हो सकता है वहां में मामू के लिए कोई रिश्ता मिल जाए। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखो ना, फिल्मों में तो ऐसा ही होता ना कि वो पड़ोस की लड़की से शादी हो जाती है समथिंग। लेकिन ये रियलिटी है, फिल्म थोड़ी ना। हमारे मामू भी तो किसी फिल्म से कम थोड़ी है। रानी, जरा देखो कि बेबो तैयार हुई कि नहीं हुई। अभी देकर आई हूँ कपड़े इस्त्री करके। मेकअप इतना थोप लिया था, वो भी कम करवाया है। चलो अच्छा किया, अल्लाह करके इस दफा बात बन ही जाए। आमीन आमीन। रानी बात सुनो, ताई जी को देकर आओ कपड़े, सीधे लेके जाना। ठीक है। हेलो जी, समान बोल रहा हूँ। हेलो, मियाँ जी से बात करनी थी। मियाँ जी आज बहुत खुश होंगे, आप ना मेहरबानी करके बाद में कॉल करना। अम्मा फोन बज रहा था, किसका था? क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हैं? रॉन्ग नंबर। अच्छा सुने, मैं सोच रही हूँ पर्दे उतार दो, बहुत ही बुरे लग रहे हैं, उतार दो ना। क्या हाल है शाम को? तुम लड़के को, मेरा मतलब है होने वाले दूल्हा को भी तो ले आते, हम लोग भी देख लेते, मिल लेते। अरे लेके तो आई हूँ, सामने बैठे हैं तुम्हारे।
कहाँ? अरे ये चेक शीट वाले मेरे चचा ही तो है। एजुकेटेड हो, खुशहाल भी हो, औरत की इज्जत करने वाला हो, उसके लहजे में मिठास होनी चाहिए। चचा ये मेरी दोस्त है रानिया। वाव, कितनी प्यारी बच्ची है ना, यकीनन इसकी फुप्पो भी बहुत प्यारी होगी। आप मीठा लेना जी। नहीं, इसमें शुगर बहुत होती है, मैं मीठा ज्यादा नहीं खाता। ताया जी, इनकी तो अब ही बड़ी मिठास है। अच्छा रानिया, अपनी फुप्पो को तो बुला के लेके आओ। हाँ, वो नहीं आए तो बेहतर है। जाओ बेटा रानी, देबो को बुला के लाओ। मैं नहीं जा रही अम्मा। ताया जी, फिर मैं हिम्मत करूं? हाँ तो ही जा, शब से मुकाओ है नो। आपकी बजट तालीम कितनी है? मत पूछे, मैंने तो इतनी सारी तालीम हासिल की है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने होम इकोनॉमिक्स में मास्टर किया है, उसके अलावा मैंने पार्लर का कोर्स भी किया है, और वो जो रंगने वाले जो होते हैं ना, क्या खैर छोड़े, आपको समझ नहीं आएगा। मैं तो आप भी समझ नहीं आ रहे। ये है लड़के। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ही दे दे। भाभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। हाय, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। मेरा ख्याल है हमें साथ चलना चाहिए, बाहर जाके बात करेंगे ना तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वो जी, क्यों नहीं, वैसे भी बाद में भी तो इन दोनों ने जिंदगी साथ ही गुजारनी है ना, तो फिर अभी से क्यों नहीं। चले आइए। साले आइए। वो जी, हमारा ताल्लुक ना बहुत बड़े घराने से, बहुत बड़े खानदान से है, और वैसे भी हमारा ना इस शहर के बड़े मुअज्जिन में उठना बैठना, मिलना मिलाना है। वैसे तो जी मेरे देवर के लिए बड़े बड़े रिश्ते थे, लोग तो लैंड क्रूजरे, तो बंगले, तो कई मरबे जायदादें शदादें देने को तैयार थे। वैसे बात तो बताएं, जायदाद तो आप लोगों ने भी बनाई हुई होगी ना कि नहीं? और ये जो आपका घर है, इसकी मालियत क्या है, कुछ पता है आपको? आप मुझे ये गल बताएं कि मुंडे ने इधर आके रहना कि कुड़ी को साथ लेके जाना है? क्या मतलब है आपका? मैंने कोई नोखी बात तो कर नहीं दी। बच्ची, रुको जरा। आप बीच में ना आए जरा। मेरा क्या कसूर है? से मार दूंगी इसको आज। मेरी बात सुने, आपने ये कहीं नहीं कहा था कि आने वाले को खुश शक्ल और मर्दाना वजाहत का नमूना भी होना चाहिए? गलत है सच है कुड़ी की। मेरा क्या कसूर है? एक तो वो उसकी नैना की चाची से ज्यादा उसकी चाची लग रहा था, और ऊपर से अखलाक इतना गया गुजरा, लालची कमीना कहीं का। भला कभी किसी ने पहली मुलाकात में किसी की जायदाद की तफसील मांगी है? तुम्हें तो आप बीच में ना आए। भैया, तो आपको पहले बताना चाहिए था, इस बात पर तो मैं भी उसको एक लगाती। तुम ना चुप कर जाओ रानिया, और बर्राहे मेहरबानी मेरे लिए अब रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। भाई माना कि मैं तजुर्बा कार नहीं हूँ, मगर बार बार कोशिश करने से तजुर्बा आएगा ना। रानियों, मैं तुम्हारे वैसे एक बात तो, उसकी अदाएं ना आपसे ज्यादा अच्छी थी। तुम्हें मेरे जज्बात का मजाक उड़ाते हुए जरा शर्म नहीं आती? अच्छा जवानी ना, माफी दे दें, मुझे पता है मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा, मगर कसम से मैं तो आपकी खुशियों के लिए ये सब करने जा रही थी। ओ भाई, की हो रहा है, हैं? क्या बात है? देखो मेरी बात सुनो, बेचारी कोई कसूरवार थोड़ी है, उस पे तुम क्यों नाराज हो रही हो? मैं किसी से कोई नाराज नहीं हो रही मियां जी, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आज के बाद कोई भी मेरी शादी की बात नहीं करेगा इस घर में। बेबो, मियाँ जी, आपने ना परेशान नहीं होना, हमारी बेबो के लिए भी ना अल्लाह पाक ने चोड़ बनाया होगा, जब मुनासिब खड़ी आएगी ना, वो बंदा अपो आप सामने आ जाएगा, और सारे मामले ना अपो आप सेट जाने हैं। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है मियाँ जी, मगर अब मुझे बेबो की तारीफ करके मनाना पड़ेगा। मैं आती हूँ।
बेबो बेबो। मिया जी, अगर आज आपका बेटा आपके साथ होता तो आप अस्मा के लिए ऐसे परेशान नहीं हो रहे होते ना। मैं ना जी बड़ी शर्मिंदा हूं, मेरी वजह से आपको अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। देख कल सुन, अगर आसमा मेरी बेटी है, तू क्या बेटियों से काम है? मेरे लाडले छोटे भाई की बेटी मेरी बेटी, हाँ और की, अपने आप पे कभी इल्जाम ना तरना, हाँ मैं सोचना भी नहीं, समझे? हेलो राबेल। आपी ये कौन है? मुझे क्या पता ये कौन है, मैं तो आपका नाम भी मालूम है। तुम फजूल बातें नहीं करो, जो काम बोला है ना वो करो, टीपू की हेल्प कराओ। हेलो क्यूट गर्ल। मसला क्या है आपके साथ? अरे मैं आपसे नहीं, मैं तो क्यूट गर्ल से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानो है। मानो, मेरा नाम फरहाद है। मैं ना आपके बराबर वाले घर में रहता हूँ, और मेरे घर में मेरी मामा मामू, बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बहन रहती है आप ही की तरह, और हम लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं। आप लोगों के घर में कौन कौन रहता है? हमारे घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बताते बताते थक जाऊंगा, और हम लोग बिल्कुल खुशी खुशी नहीं रहते। टीपू हर बात बताने वाली नहीं होती, बकवास बंद करो अपनी। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो बच्चे हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। देखो भाई, कभी भी अपने घर पे बोर हो तो हमारे घर पे आ जाना, ठीक है? मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं, हाँ? और हो सके तो अपनी इस आपी को भी साथ लेके आया करो, हाँ? यार वक्त ने कितना हसीन जुल्म किया इन पे, बोलना मुस्कुराना सब भूल गई। थैंक यू भाई, मैं मम्मा और अम्मा जी को बताऊंगा कि हमारे नेबर में एक बहुत क्यूट से भाई रहते हैं, मैं और रावीर आपी और मानो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या ये मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं, और रही बात क्यूट लगने की, तो ये मुझे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगे। मेरी दोस्ती इनसे तो कभी भी हो ही नहीं सकती, इसको रखो यहाँ पे, कोई दोस्त वोस्त नहीं मेरे। चलो मानो, बाय बाय, हम बहुत जल्द आएंगे आपके घर। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत मुश्किल है यार। चल सुट भाई, एक दो ना। ठाई जरा शर्म कर, जा आप चुकना, एक गिट्टी है कोई, एक पहाड़ थोड़ी है। कमाल करता है। अम्मा जी। हाँ जी। अम्मा जी, वो अरबाब का फोन आया था। अरबाब को ख्याल आ गया तेरा है? मुझे तो लगता था कि जब से तुझे मैके छोड़ के गया तुझे भूल ही गया, तू उस जगह लाइफ में कभी थी ही नहीं। अब की आए ना, याद दिलाना, मैं उसकी ऐसी तबीयत साफ करूंगी ना। क्या हो गया माँ जी, कुछ तो ख्याल करें, फिलहाल घर का इकलौता दामाद है ना। की मतलब है इकलौता दामाद है? दोस्तों सर पे बिठा लूं मैं ना, बिला वजह ना दामादों के नखरे उठाने की कायल नहीं। इस बात का अंदाजा तो है मुझे माँ जी। हाँ क्या कह रहा था, तेरी तो बात बीच में ही रह गई। वो अम्मा जी अरबाब कह रहे थे कि वापस आ जा, मेरा दिल नहीं है फिलहाल जाने का, मैं क्या करूँ? हाँ तेरा मूड नहीं है, कौन माइकल लाल है जो तेन ना जबरदस्ती करके तेन लेके जाएगा है? वो आया ना, मैं दसना, मैं आप उसको निपट लूंगी, ऐसी उसको सिखाऊंगी ना, भूल जाएगा दमादी सारी। तो फिर मैं वॉइस नोट करके कह देती कि अम्मा जी मना करी है अभी। आखो हमाद, शुक्र करो मेरे मैके में दमादों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, वरना सोचो तुम्हारा क्या हशर हो। हाय मैं मर गई, तू शुक्र कर के तू इस घर में भी आई है जिधर हम बहुओं की इज्जत करते हैं, वरना तेरे जैसी कोजी औरत होती ना कोई और सास, ते दो देने चे तो वापस भेज देंदी। बड़ी गल्लां करती है, तुझे तो बहू कहते हुए मुझे शर्म आती है, ना सलीका ना मुंह मथा। शुक्र कर तेरी ते किस्मत खुल गई, जब मैं शहजादे जैसा पुत्र तुझे मिल गया। माँ जी कुछ तो ख्याल करें, बहू है हमारे खानदान की। मैं ख्याल करा, इसने ख्याल किया
नहीं हमारा, तुम तो चुप करके बैठो है? ये सारी बातें जो मुझे सुनने को मिल रही है ना, ये सब तुम्हारी वजह से है ना। तुम निकम्मे निखट्टे शहजादे होते ना, अम्मा जी मेरी इस तरह से इज्जत कर रही होती। देख देखिए, आज तक दिन ते बार दी कुड़ी एक आके हमारे घर के खानदान के मर्द तू जलील कर रही है। इस खानदान दी तारीख च कोई मिसाल नहीं है। अच्छा ना डबो दिता तूने, हमारे बुजुर्गों की रूहों को शर्मिंदा कर दिया। और लेटे रहो बिस्तर पे, फिल्में देखो, बहुत अच्छा कर रही है अम्मा जी, बस ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। शर्म कर, शर्म कर कुछ, दो बच्चियों का प्यो हो गया है तू है, जरा संजीदगी नहीं आई तेरी तबीयत। मैं तो दाग देती हूँ इस लड़की को जो तेरे नाल गुजारा कर रही है। अम्मा जी लग दिया मेरे पिको का टूल बॉक्स, मिल ही नहीं रहा, किधर है? हर चीज इधर उधर घुसाई हुई है, मैं भी सब कुछ बाहर फेंकूंगी फिर। बाबा सद के जाओ, कितने अच्छे लग रहे हैं। यहां क्यों रखी थी तस्वीर? रखती हूँ। ये कहाँ से मिला तुम्हें? देखिए बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मुझे तो लगता है मेरी सारी शक्ल बाबा पर गई है ना? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? आपने कभी अपने भाई को नहीं देखा या मेरी शक्ल नहीं देखी? देखिए तो सही, वही आंखें, वही नाक, मुझे तो लगता है मेरी जहानत भी मुझे बाबा से ही मिली है। शायद। अरे इधर तो आए, आज अगर बाबा जिंदा होते खुश होते ना मुझे देखकर, मियां जी की तरह फखर करते मुझ पे। तुम्हें ये फ्रेम मिला कहां से? अम्मा की अलमारी से, कपड़ों के नीचे रखा हुआ था। भला कोई ऐसी चीज है जो कपड़ों के नीचे रखी जाए? अब तो ये यहीं रहेगी। अच्छा लग रहा है ना रानिया? परफेक्ट। कितनी दफा मैंने कहा है सर में तेल लगवा लिया करो, ऐसी तुम्हारा ना खुश्क पड़ा है सर। अम्मा आराम से, मुझे लगा मेरी आंखें माथे में फिट हो गई हैं। भाई भाई वहम पड़ रहा है, वही की वही है। अच्छा इस तरह से तो करें, आपने तो मेरे बाल जड़ से उखाड़ दिए हैं। और तुम इतनी नाजुक मिजाज कब से हो गई हो? अच्छा ये बताए मेरे बाल लंबे हुए हैं कि नहीं? बेबो की शादी पे ना शीशे वाला परांदा पहनूंगी मैं। बेबो की शादी कौन सी कल है? 7 साल मंसूबा है, जब तक बेबो की शादी होनी है ना तुम्हारे बाल आपे ही लंबे हो जाने, फिकर ही ना करो। वैसे बेबो का भी ना बहुत ही ऊंचा मेयार है, मुझे लगता है मैं इनका दूल्हा ना ऑर्डर पर ही बनवाना पड़ेगा। बेबो की छड़ो, अपनी बताओ। तुमने अगर ऐसी कोई शोशेबाजी की ना रानी, चंडो लाना है मैंने। ओ नहीं अम्मा, मैं तो मस्त मलंग, मेरी कोई डिमांडे नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये भी। हाँ मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हो ना बड़ा ईमानदार सच्चा और बड़ों का एहतराम करने वाला हो, बाकी सब खैर है। मेरी सौबिर बच्ची। वैसे अम्मा खुश शक्ल होना चाहिए, लंबा भी जरूरी है, और डोले शोले होना चाहिए भाई, टेका हो उसका एवी को लुच्चा मुच्चा ना पकड़ लेना। तो फिर बच्चा की लंबा भी हो तो चौड़ा भी हो तो डोले भी हो, पागल ना होते भाई। अब मुस्तकबिल के वजीर आजम का शौहर होगा, कोई पहाड़ी बकरे जैसी शक्ल होगी तो ये तो पूरी दुनिया में मजाक बनवाने वाली बात है। ओ रानी क्या हर वक्त वजीर आजम लगा के रखा हुआ है, बच्चों ने ना छेड़ बना लेनी है तुम्हारी। वजीर आजम वजीर आजम, और जिन्होंने अच्छा काम करना होता ना उन्हें कुर्सी वर्सी की कोई जरूरत नहीं होती, समझी? तुम क्या जानो अम्मा कुर्सी की पावर। अच्छा इतनी कोई पावर होती है तो बैठ जा कुर्सी पे। अब ये वाली कुर्सी नहीं अम्मा, इक्तदार की कुर्सी। आ
इक्तदार की कुर्सी है, भूल गई अब्दुल सत्तारी दी साहब को, जिन्होंने अच्छे काम करने होते हैं ना उन्हें इक्तदार शक्तदार की कोई लोड़ नहीं होती, वो ऐसे ही अच्छे काम करते चले जाते हैं, समझी? बात तो ठीक की है। हाय हमार, जरा सोचो जब मोना और महीर की शादी हो जाएगी तो हमारा कितना फायदा होगा, हम दोनों इस घर पे राज करेंगे। लेकिन तुम्हारा जो नकचरा भतीजा है ना, उसकी सोच बड़ी हाई है, लगता है ऑर्डर पे बीवी बनवाएगा। ओ फिकर ना करो, ये जो नकचड़े बात बात पे मीन मेख निकालने वाले लड़के होते हैं ना, बीवियों के मामले में अक्सर मार खा जाते हैं। तुमने देखा होगा हसीन तरीन लड़कों के साथ कोजी तरीन बीवियां होती हैं। अब मुझे ही देख लो, बुलाओ मोना को, अल्लाह ने चाहा तो वही माहिर की दुल्हन बनेगी इंशाल्लाह। ऐन वक्त पे सही बात करके अपनी जान बचा ली है तुमने, है ना? हाँ। You are beautiful. Queen. ओए पीले पीले, बेहतर फील करेगा। नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता, ये पता नहीं कितने बैक्टीरिया और जर्म्स होंगे इसके अंदर। और पहचान, और गांव की सबसे खूबसूरत मंज का दूध है, और पिएंगे तो तबीयत फ्रेश हो जाएगी। नहीं, तुम लोग एक काम करो कि कहीं से कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन अरेंज कर दो यार, चेक करवाऊ, कोई बड़ा मसला ना हो गया मेरी टांग में। भाई जी, मैं गांव में ऑर्थोपेडिक सर्जन कितों ले आवा? अपने नाक में बशीरा पहलवान है ना, और दो हाथ लगाएगा टांग को, टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई बशीरा पहलवान वगैरह के हाथ नहीं लगवाना, बशीरे को बोलो अपने दोनों हाथ रख के अपने घर पे ही बैठे। ओ भाई आराम से, आराम से। मर्जी है आपकी। दादी की कॉल आ रही है। जी दादी, सलाम अलैकुम। दादी अभी दो तीन दिन और हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे ये लोग इतनी इज्जत दे रहे, इतना प्यार दे रहे, ये लोग मुझे ऐसे आने नहीं देंगे। पुत्र वे तू दो दिन का कह के गया था कि पांचवा दिन है, तेन पता है ना तेरे बगैर मुझे ये कार अच्छा नहीं लगता। तेरे अब्बे के बगैर रहने की तो आदत पा ली मैंने, पर तुझे ना देखू ना तो मेरा दिल हौलने लगता है। दादी बस दो तीन दिनों की तो बात है, मैं आ जाऊंगा ना। अच्छा बस आप इमोशनल मत हो। चंगा, खैर ना ला फिर। थैंक यू, बाय। तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।